दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को अष्टमी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है और मैं नहा धो के आ गई हूँ किचन में। और आज किचन में बन रही है पूड़ी सब्जी, चने की सब्जी। चने की सब्जी बनती है हमारे यहाँ पे। और गाइस, हम कन्या पूजन तो आज नहीं करेंगे क्योंकि आज निहाल के पापा को घूमने जाना है और ये जा रहे हैं आज गुड़गांव, गुड़गांव वाली माता पे। तो यहाँ पे हम पहले पूजा कर रहे हैं। और वैसे तो मेरा भी मन था जाने का, मैं भी सोच रही थी कि मैं भी घूम आऊँगी, लेकिन ये इनका स्टाफ जा रहा है कंपनी का, तो ये उन्हीं के साथ जा रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। फ़िलहाल ये ही दर्शन करके आएंगे। तो इस वजह से ना मैंने कन्या भी नहीं जिमाई थी, क्योंकि अगर मैं कन्या जिमाती तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता और इन्हें सुबह ही निकलना है, क्योंकि गुड़गांव यहाँ से भी काफ़ी दूर पड़ता है और दिल्ली में ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए ना ये अकेले ही जा रहे हैं, घर से अकेले जा रहे हैं, बाकी तो और लोग भी जा रहे हैं इनके साथ। तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। बाकी खाना वगैरह तो मैंने बना लिया है सब, तो मैंने सोची पूजा हम सारे मतलब बैठ के ही करते हैं एक साथ में ही। तो आज अष्टमी पूजन है और खाना जो हम बना रहे हैं ना वो हम गैया माता को खिला देंगे, क्योंकि इस बार ना हम कन्या पूजन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं था कि सुबह में जाएंगे, अगर मुझे पता होता तो मैं सुबह जल्दी उठ के काम कर लेती, लेकिन आज ना मैंने थोड़ी लेट उठी थी क्योंकि थोड़ा अलकस्सा हो रहा था सुबह, तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रही थी। तो मैंने सोची कि कहीं जाना तो है नहीं, बच्चों की भी छुट्टी है, तो आज मैं आराम से उठूँगी और आराम से खाना वगैरह बना लूँगी और कन्या पूजन वगैरह कर लेंगे। लेकिन एकदम सुबह ना प्रोग्राम चेंज हो गया और कुछ तो उठी लेट थी, और जब एक बार लेट उठते हैं ना तो फिर सारा काम ना लेट होते चला जाता है। वैसे तो मैं 5 बजे उठ गई थी, लेकिन मैंने ना कोई काम स्टार्ट नहीं किया था 5 बजे से। 5 बजे उठने के बाद भी मैं ऐसे ही लेट रही थी, थोड़ा अलकस्सा आ रहा था सुबह के टाइम में। वैसे तो आज हमारा ना गांव जाने का प्रोग्राम था, लेकिन प्रोग्राम हमने कैंसिल कर दिया है, गाँव अब हम कल जाएंगे। तो क्योंकि ये आज माथा टेकने जा रहे हैं, शीतला माता का मंदिर है गुड़गांव में। वैसे मैं नहीं गई हूँ वहाँ पे एक बार भी, ये जा रहे हैं, इनका मुझे पता नहीं ये पहली बार जा रहे हैं या पहले भी जा चुके हैं, लेकिन मेरे सामने ये पहली बार ही जाएंगे। तो जैसे मुझे पता नहीं था कि आज जाएंगे वहाँ पे, वैसे पूरे तैयारी थी आज गाँव जाने की, लेकिन जब इन्होंने बताया कि मुझे गुड़गांव जाना है तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आज आप वहाँ होके आओ, फिर कल तो गाँव हमें चलना ही चलना है, तो कल ही गांव जाएंगे। और यहाँ पे गाइस काम मेरा सभी हो गया है, बाकी बर्तन वगैरह भी धुल चुके हैं और मुझे आज पैकिंग भी करनी है। वैसे तो हम 2 दिन के लिए ही जा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ना 1-2 जोड़ी कपड़े बच्चों के भी रखने पड़ेंगे, और फिर हम आज तो जा नहीं पाएंगे, कल सुबह सुबह निकलेंगे, तो सुबह के टाइम में ठंड भी हो जाती है काफ़ी। सुबह के टाइम तो ठंड होती है और वैसे भी ना बाइक पर ठंड ज़्यादा ही लगती है, इस वजह से भी थोड़ा ठंडा मौसम रहेगा, तो कपड़े वगैरह निकालने पड़ेंगे बच्चों के इनर वगैरह, क्योंकि नहीं तो बाइक पे ना वैसे ही ठंड लगती है, और अब तो वैसे भी मौसम थोड़ा ठंडा ही हो रखा है। और सुबह ही इरादा है हमारा 6 बजे तक निकलने का, तो सुबह सुबह तो वैसे भी ठंडी रहती है। पता चलता है मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है या बाकी सबके साथ भी ऐसा ही होता है, जब मुझे कहीं जाना होता है ना तो मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, मेरी नहीं समझ में नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत से काम ऐसे होते हैं ना, कोई जैसे कपड़े वगैरह ही हो गए, बच्चों के निकालने होते हैं, अब बेड या संदूक तो यहाँ हमारे पास है नहीं ताकि उसमें रख दें और उठा लें, ऐसे ही कोई कपड़े कहीं रखने पड़ते हैं कोई कहीं, तो पता नहीं चल पाता है कि कहाँ से काम स्टार्ट करें और कहाँ से ख़त्म करें, तो इस वजह से ना मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये देखिए बच्चों के कपड़े मैंने थोड़े तय करके रख दिए हैं प्रेस वगैरह करके, क्योंकि बच्चों के 1-2 जोड़ी कपड़े लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे 1-8 जोड़ी कपड़े वैसे भी गाँव में गंदे कर लेते हैं, तो इसलिए इनके 2-2 जोड़ी कपड़े रख लिए हैं मैंने, कपड़े तो 1-1 जोड़ी हैं, 1-1 मैंने लोअर रख लिया है दोनों बच्चों के लिए।
और कपड़े पूरे फैले हुए हैं। और अभी आदि की शर्ट भी ढूंढनी है, वो भी ये नहीं पता कहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि ऐसा ही होता है ना कि कुछ कपड़े रैक में ही रखे रहते हैं ना हमारे, तो ये नहीं पता चल पाता कि कौन से कपड़े कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं। देखिए गाइस ये कितनी गंदगी फैल चुकी है कमरे में, और ये तैयारी हो रही है बैग पैक करने की गाइस। और ये पता नहीं कहाँ कौन सी जगह से कपड़े निकले जा रहे हैं, कहीं यहाँ से कहीं कहाँ से गाइस। देखिए गाइस और बताइए कैसे हैं आप सब, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो, अगर हम भी अच्छे हैं। देखिए यार मम्मी जी गुस्सा है, पता नहीं क्यों गुस्सा है। और ये देखिए एक शर्ट ढूंढने के चक्कर में सारा सामान मैंने निकाल दिया है, कपड़े वगैरह सभी, लेकिन एक शर्ट इसकी पानी रही है मुझे। वैसे मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ ढूंढने की, लेकिन मुझे बिल्कुल भी शर्ट नहीं मिल पा रही है। आप लोग देख सकते हो लगी हुई हूँ मैं, और जैसे कपड़े लत्ते फैले हुए पड़े हैं ना, ऐसी गंदगी देख के ना मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि गंदगी ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और ये मैंने बैग रिताया था तो इसके कपड़े मैंने इस गठड़ी में बांध दिए हैं गाइस, ऐसे ही बांध कर रखने पड़ते हैं, क्योंकि बेड वगैरह होता तो उसमें डाल देती, और संदूक वगैरह तो रखने का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, किराए के कमरों पर संदूक कौन रखता है। तो हमारे पास तो ना संदूक है ना बेड, तो हमें तो ऐसे गठड़ी वगैरह में ही रखने पड़ते हैं। और बड़ा बैग मैंने उठा के उसमें रखा हुआ है सामने, ये जो ट्रॉली सी रखी है सामने इसी में रखा हुआ है, क्योंकि बाहर रखा रहता है तो उस पर बहुत ज़्यादा धूल लग जाती है। और बड़ा बैग हम इसलिए नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि बाइक पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी बड़ा बैग लेके जाएंगे, तो इसलिए छोटे वाला ही बैग लेके जा रहे हैं, ये आराम से बंध जाएगा। और एक पिट्ठू बैग ले लेंगे छोटा सा, ताकि थोड़ा बहुत कुछ रास्ते से सामान लेना हो तो वो आराम से रख लें, इसलिए ये छोटा ही बैग ले लिया है ताकि हम आराम से चले जाएं, क्योंकि बाइक पे ना अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मुझे तो ना कहीं जाने के नाम से बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि कहीं भी जाओ ना घर में इतना सारा फैलावा फैल जाता है, ये सभी के घर में ही फैलता है, क्योंकि बच्चे हैं, लेकिन बच्चे ना थोड़ी हेल्प ही करा रहे हैं मेरी, जो मैं कपड़े वगैरह उन्हें बोल रही हूँ साथ के साथ उठा के रख रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर और भी गंदगी फैली रहेगी ऐसे ही। और साथ के साथ ऐसे कपड़े अलमारी में लग जाएंगे तो गंदगी ना कम महसूस होगी, वैसे गंदगी तो कुछ नहीं है, गंदे कपड़े तो है नहीं, कपड़े वगैरह लगाएंगे तो उतारने तो पड़ेंगे ही, तो इसीलिए ना बच्चों से साथ के साथ ही मैंने रैक में रखवा दिए हैं। और ये कुछ बच्चों की गर्म जैकेट से निकाल दी है तो बच्चे पहन के चलेंगे सुबह को, ठंड में ही जाना है बच्चों को तो इसलिए निकाल दिए थे। और बच्चे पूछ रहे हैं बार बार कि सुबह हम किस टाइम जाएंगे, आप इतनी जल्दी जल्दी सब काम कर रही हो, तो मैं बोल रही थी बेटा हम सुबह 6 बजे निकलेंगे, तो बच्चे बोल रहे थे हम 6 बजे कैसे निकलेंगे, पापा तो ड्यूटी गए हुए हैं, मतलब जाएंगे रात में, गए नहीं हैं अभी, लेकिन वो सुबह ही आ जाएंगे, हम उनके आने के बाद ही गांव के लिए निकल जाएंगे सुबह सुबह ठंड ठंड में ही, बाकी कपड़े पैक हो चुके हैं। गाइस अभी बज रहे हैं 6:10 हो रही है, जी हाँ 10 ही हो रही है, और हमारे पतिदेव अभी नहीं आए हैं, लगता है पूरे अच्छी तरह दर्शन करके आएंगे, बच्चे बैठे हुए हैं और मैंने पैकिंग कर ली है, बस इसे एक बैग की करी है क्योंकि 2 दिन के लिए क्या 1 दिन के लिए जा रहे हैं, तो एक एक जोड़ी कपड़े डाल ले हैं, और वैसे भी बाइक पैक में बड़े बड़े बच्चे हो रहे तो दिक्कत होती है जाने में, तो सोचा थोड़े कमी कपड़े ले चले, बड़ा बैग मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इसे बांधने में फिर दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए ना मैंने छोटे बैग में ही कपड़े रख लिए हैं। और अभी वो पता नहीं अभी ये बोल रहे थे कि 1.5 घंटा और लगेगा, करीब 7:30 बजे के करीब आएंगे, और फिर रात में उन्हें ड्यूटी भी जाना है, फिर नाइट शिफ्ट करके वह सुबह गेट पास लेके आएंगे 5 बजे, फिर उसके बाद ही हम घर के लिए निकलेंगे, तो पूरा दिन तो उन्हें हो ही गया है शायद, और फिर रात भी ड्यूटी में, और फिर सुबह गाँव जाना है तो पूरे थक जाएंगे, क्या करें, पर गाँव भी जाना ज़रूरी है। और गाँव हम क्यों जा रहे हैं वो बताऊँगे, गाँव में जाके जो भी है जैसे है, वैसे ऐसे निहाल को नुकैरते निहाल यहीं रह जा, लेकिन ये मान नहीं रहा है कि मुझे मैं ज़रूर जाऊँगा कोई जाओ या ना जाओ, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बाइक पे, क्योंकि बराबर का हो रहा है बच्चा तो दिक्कत तो होती है, देखिए मेरे से तो लंबा ही हो रहा गधा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं मान रहा, बोल रहा है कि मैं ज़रूर जाऊँगा, भाई जाओगा तो चल, नहीं मान रहा तो इसलिए ना सुबह निकलेंगे तो एक तो सुबह ट्रैफिक कम रहता है तो आराम से चले जाएंगे 10-11 बजे तक, सुबह सोच तो ये रहा है कि 6 बजे तक यहाँ से निकल जाएँ, लेकिन और जैसे भी होगा देखेंगे। और बाकी अब खाने में क्या कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि सुबह के थोड़े चने रखे हुए हैं माता रानी के भोग के लिए जो बनाए थे, और अब रोटी डाल दूंगी 2-4, अभी तो उन्हें आने में टाइम लगेगा,
तो मैं सोच रही हूँ इतने में व्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, तो कोई देखता भी नहीं है। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पर कर रही हूँ एंड। पसंद आए तो लाइक कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट कर देना, थोड़ा प्यार हमें भी दे देना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे, धन्यवाद।